मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं एक योगा लवर हूँ और बीच बीच में कई सारे योगा ट्रेनिंग देते रहता हूँ अपने फ्रेंड्स सर्कल में और जो भी मेरी कॉलोनीज है उसमें। मुझे लगता है कि अगर मैं स्पा थेरेपी सीख लेता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। तो ये सोच के मैं बहुत दिनों से मसाज थेरेपी सीखना चाह रहा था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट मुंबई। सर, आपके जो कोर्सेस हैं वो बहुत ही ईजी हैं सीखने के लिए। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके कोर्स अवेलेबल हैं, तो मेरे लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं मुंबई में आके कोई कोर्स अटेंड करूँ। तो मैंने पहले आपके ऑनलाइन कोर्स अटेंड किए और वो सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं, तो उसको मैं इजीली समझ पाया और वीडियो देख देख के अपने फ्रेंड्स पे और अपने फैमिली मेम्बर्स पे उसको ट्राई करता था और प्रैक्टिस करता था। पर सर, कोई डाउट अगर रहता था तो उसके लिए भी आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। जो आपके वीकली वेबिनार होते हैं उसमें मैं अपने सारे डाउट क्लियर करता था। तो सर, कॉन्फिडेंट तो था मैं, बट मन में एक मेरी वो बहुत ही इच्छा थी कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलूँ। तो उसके लिए सर फिर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन में आने के बाद मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी मेरे हैंड मूवमेंट्स में उसको आपने देखा और उसको भी आपने परफेक्ट कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का पहले दिन से लेकर छठे दिन, तो छह दिन का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है? सर, इसके पहले जो भी मेरा प्रैक्टिस था वो या तो फैमिली मेम्बर के ऊपर था या फ्रेंड्स के ऊपर था, और वो ऐसे थे जिनको मसाज का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लिया आपसे ऑफलाइन क्लास में, उसके बाद से मैं कई सारे यहाँ पे लगभग अप टू 10 क्लाइंट्स पे मैंने प्रैक्टिस किया है अभी, और सबका ये था कि जो आपके हैंड मूवमेंट्स हैं वो ऑसम है, यू आर अ परफेक्ट थेरेपिस्ट। एंड तो ये सर था कि अभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि हाँ, अभी मैं एफिशिएंट हो चुका हूँ और कोई कमी नहीं है मेरे काम में। तो जो लोग YouTube पे आपका ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उनको बताना चाहेंगे कुछ? सर, जो भी यंग जनरेशन है या जो भी मसाज थेरेपी सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मसाज थेरेपी का कोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है और इसके लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, बस आपके मन में लगन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो आप इसको सीखिए। आप मुश्किल से, अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट जो कि डॉक्टर मुनीश शर्मा सर का कोर्स है, वो आपको ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन सीखने के बाद भी आपको और भी कुछ सीखना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे आपको बिजनेस, आपने सीख तो लिया है मसाज, लेकिन बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन में भी सिखाई जाती हैं, तो आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपकी एज कुछ भी हो, तो आप इस कोर्स को ज़रूर करिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, एक एफिशिएंट मसाज थेरेपिस्ट बनिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसा मसाज के नाम पर अभी हम सुनने में काफी सारी गलत गलत चीजें सुनते हैं जी, तो क्या वाकई में मसाज के कोर्स में ऐसा कुछ है या इट इज अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर? सर देखिए, मसाज जो है वो एक थेरेपी है। अब मसाज थेरेपी के नाम पे कोई गलत करे तो उसको हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आप गलत करना चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। जो मसाज है वो हमारे नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। इसका अगर हम देखें तो आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। तो मसाज को हम एक थेरेपी की तरह लें, और अगर हम थेरेपिस्ट बनते हैं तो हम लोगों से भी जो रिस्पेक्ट है वो गेन करेंगे। लेकिन अगर आप मसाज के नाम पर कुछ और करेंगे तो फिर वो डिसरेस्पेक्ट तो मिलेगी। ओके, तो क्या आपको लगता है कि एक रेस्पेक्टेबल करियर इन मसाज बनाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अच्छे से टेक्निक्स सीख लिए मसाज के
मसाज अगर आप सीख लिए हैं, मसाज में एफिशिएंट हो गए हैं, तो सर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ऑलराइट, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी जैसा कि मैं बताया कि मैं अब मसाज में एफिशिएंट हो चुका हूँ, आगे चल के सर मैं मसाज बिजनेस एग्रीगेटर बनना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो सारी नए जनरेशन के लोग जो मसाज थेरेपिस्ट बन के आगे आ रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स दूँ ताकि वो और मोटिवेट हों और अच्छे से काम कर सकें। चलिए, और आदित्य यहाँ पर इतना बोलने के लिए थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर इट्स माय प्लेजर दैट आई एम लर्निंग इन योर गाइडेंस एंड आई सजेस्ट ऑल न्यू जनरेशन दैट अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार मसाज थेरेपी सीख के देखिए। ये एक स्किल ऐड करेगा, भले ही अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, ये आपको स्किल ऐड करेगा और ये स्किल आपका जीवन भर काम देगा, चाहे वो दुनिया की किसी भी एरिया में चले जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग अभी बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। अगर आप गूगल में डाल के देखें तो ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा स्कोप है और आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर बाय द वे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं तो फिर आप पूछना ही नहीं है कि आप वहाँ जाके क्या करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जो डॉक्टर मुनीश शर्मा सर का सर्टिफिकेट है वो नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्री में भी वैलिड है। तो आपके लिए बस अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, आपको बस सही स्किल सीखना है और सही डिसीजन लेना है सही समय पर। थैंक यू सो मच।